अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, आज का जो हमारा विज़िट है वो है गीगा मॉल का, और गीगा मॉल में हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए, और ढेरों ढेर यहाँ पे हमने शॉपिंग की। और अभी हम अंदर जाते हैं, और अब अंदर आ चुके हैं, और अभी हम देख रहे थे कि हम लोग शॉपिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो फिर ग्राउंड फ्लोर पे ही एक ज्वेलरी शॉप है, तो यहाँ पे हम लोग आए, और बस यहाँ से हम लोग गुज़र रहे थे। हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ से ज्वेलरी ख़रीदने का, लेकिन ये है कि हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे, तो वैसे भी गुज़रते गुज़रते हम लोग वैसे भी बाज़ार में कहीं जाएँ तो ज्वेलरी ज़रूर देखते हैं। तो यहाँ भी जब हम ज्वेलरी देखने के लिए खड़े हुए, यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त ज्वेलरी थी, और ये देखें ये जो ब्रेसलेट हैं, यहाँ पे इतने ज़बरदस्त ब्रेसलेट थे, ये बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था, ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे फिर हम लोग खड़े हो गए, और काफ़ी देर फिर हम यहाँ पे जो है ज्वेलरी, इनकी डिफरेंट ज्वेलरी थी वो हम लोग देखते रहे, और यहाँ पे इनकी जो इनके पास रिंग्स भी थी, ब्रेसलेट भी थे, तकरीबन तमाम चीज़ें थी यहाँ पे इनके पास। इनकी ज्वेलरी मुझे इतनी अच्छी लगी है, देखिए इनके पास जो रिंग्स हैं ये ज़बरदस्त रिंग्स थी, इनके पास बड़े साइज़ की रिंग्स थी, और ये सिल्वर वाली बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही प्यारी प्यारी सी, नाजुक सी इनके पास ये रिंग्स थी। फिर डिफरेंट रिंग्स यहाँ पे देखी हम लोगों ने, ये देखें कुछ मैं आपको दिखा भी रही हूँ फिंगर पे पहन पहन के, और यहाँ पे देखें ये इस तरह की भी थी, स्टाइलिश किस्म की भी थी। अच्छा, ये वाला जो ब्रेसलेट मैंने आपको शुरू में दिखाया है, इसमें इनके पास जो थे दो कलर थे, और फिर ये मैंने आपको बताया ना कि मुझे इतना ज़बरदस्त लगा, इतना अच्छा लगा, फिर मैंने कहा कि इसको मैं अपनी कलाई पे लगा के देखती हूँ। जब मैंने ये वाला देखा तो ये वाला मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, और दूसरा इसके पास दूसरा कलर था, मैं चाह रही थी कि बस अगर कलर्स हों तो मैं पूछा, तो उनका नहीं, हमारे पास सिर्फ दो ही यही कलर्स हैं। तो एक ये वाला भी लगा के देखा, ये भी ज़बरदस्त लग रहा था, और वो वाला भी जो था जिसमें ज़्यादातर ग्रीन स्टोन थे वो भी बहुत ज़बरदस्त लगा। तो फिर मैंने इसकी प्राइस पूछी, तो उन्होंने कहा कि 650 रुपीज़ का है, और ये वाला भी था, एक इस तरह का भी था, तो ये तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, अच्छा था लेकिन वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर एक दो मैंने और इन पहन पहन के चेक किए, और फिर आखिर फिर मैंने जो है वो जो बड़े वाला ब्रेसलेट था वो वाला मैंने डन कर दिया। वो इस तरह का था कि उस पे का जो है ना कलर एंटी कलर था, अच्छा लगता था, जैसे थोड़ा सा डल होता है, जैसे पुराना सा होता है उस तरह का था। तो मैंने कहा ये पुराना तो नहीं है, मैंने भाई साहब से पूछा, कहते नहीं नहीं ये पुराना नहीं है, ये बना ही ऐसे, इसका कलर ही ऐसा है। तो वो फिर मैंने ले लिया, ये देखिए ये मैं बार बार इसको पहन रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लग जाए ना तो वो फिर मैं इसी तरह उसको देखती रहती हूँ, और फिर मुझे बड़ी अच्छी लग गई ये वाली चीज़। तो ये वाला फिर मैंने डन कर दिया, मैंने कहा ये वाला डन कर दे और ये मुझे दे दे। इसके बाद मैं बाकी भी देख रही थी, मैंने कहा कोई और अच्छा, हालांकि इस शॉप पर हमारा कोई प्लान नहीं था, ज्वेलरी ख़रीदने का तो कोई प्लान था ही नहीं, हमने सिर्फ आए थे अपनी ड्रेसेस वगैरह और चीज़ें वगैरह देखने के लिए। अच्छा, इसी शॉप पे इस तरह के ये कुछ डेकोरेशंस भी रखे हुए थे, जैसे कि ये छोटी सी ये चारपाई कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे ये झूला है, इस तरह की ये देखें चारपाई है, ये जो चीज़ें हमारे गांव में हमारे देहातों में यूज़ होती हैं उस तरह के छोटे छोटे मॉडल्स यहाँ पे पड़े हुए थे। ये देखें इस तरह के इनके पास की चेन बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, 250 रुपीज़ का एक था, गुस्सा बना हुआ था, इस तरह ये चप्पल बनी हुई थी, और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें इस शॉप की कवर कर ली, मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को इस शॉप का विज़िट करवाऊँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉप है। ये शॉप बिल्कुल आप जब एंटर होते हैं ना तो थोड़ा सा इस साइड पर आगे आएंगे तो यहाँ पे ये है, इस शॉप का नेम भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके। अच्छा, ये वाली जो बैंगल्स आप देख रहे हैं, और ये बैंगल्स की प्राइस 650 की ये चूड़ियाँ थी, जो कि जिन पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग थी, और जो प्लेन थी वो 450 की थी, उनमें कलर जो है गोल्डन और सिल्वर कलर था, और इस तरह की ये चूड़ियाँ थी। इसके अलावा इनके पास ये देखिए कितने खूबसूरत तरह के जो ब्रेसलेट होते हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये वाली चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये मैंने मोती बाज़ार में बहुत ढूंढी, बहुत देखी है, लेकिन ये वहाँ पे नहीं है, ये गीगा मॉल में आपको मिलेंगी, या मैंने इस्लामाबाद में जिना सुपर में देखी थी। अभी तक ये मोती बाज़ार की मैंने बहुत सी शॉप्स देखी हैं, वहाँ पे नहीं है। मैंने आपको पीछे अपने व्लॉग में भी मोती बाज़ार का विज़िट करवाया, आपने देखा होगा कि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये वाला जो ब्रेसलेट है, जो चेन वाला है, ये 150 था, और रेड वाला 250 था, और इस तरह इनकी जो है इनकी प्राइस थी
आपको 350 का भी मिल रहा था, स्टार 250 का भी मिल रहा था। यहाँ पे ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इनके पास जो है एंकलेट हैं, और बड़े ज़बरदस्त इनके डिज़ाइन, ये देखिए कितने खूबसूरत हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ज्वेलरी तो वैसे भी बहुत ही अच्छी होती है, मतलब जो मतलब हर फीमेल इन चीज़ की शौकीन होती है, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर चूड़ियाँ पहनने की बहुत शौकीन हूँ। और इसके अलावा अब तो ये ये जो है एंकलेट्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन पहले हम लोग पाजेब वगैरह पहने थे, अब अभी भी मेरे पास पाजेब्स हैं और वो जब पहनती हूँ तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये एंकलेट भी अच्छे लगते हैं, ये नाजुक से होते हैं, पाजेब थोड़ी सी ये होता है कि वो थोड़ी सी हैवी लुक देती हैं, तो इस तरह के नाजुक नाजुक से जो एंकलेट है ये बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर इनके पास ये देखिए, मैं फिर इनकी शॉप का जो है काफ़ी सारी चीज़ों का जो है वीडियो बना रही थी, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँगी कि ये शॉप जो है बहुत ही ज़बरदस्त गीगो मॉल में ये शॉप है, इनके पास ज्वेलरी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी यूनिक किस्म की इनके पास ज्वेलरी है, जो कि मतलब मैंने आम नहीं देखी, आम दुकानों से आपको ये वाली नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, ये जो अभी मैं जिक्र कर रही थी पाजेब वगैरह का, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाली देखें इस तरह की इनके पास, ये मतलब कि इनके पास तकरीबन हर तरह की ज्वेलरी थी, आप अपनी चॉइस से जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। इसके अलावा इनके पास मैंने आपको पहले भी दिखाया डेकोरेशन पीसेस भी थे, ये देखें ये जो होती हैं ये भी आती हैं इसमें, इनके साथ बेल लगी हुई है, और ये देखें बड़ी खूबसूरत इनका डिज़ाइन है, और ये देखिए किसी पे ये इस तरह का ट्रक बना हुआ है, किसी पे रिक्शा बना हुआ है, और किसी पे कैमल बना हुआ है। तो ये एक इनके पास ये मैं दिखा रही हूँ 1000 की महल में एक बता रहे थे, वन पीस जो था ये 1000 का बता रहे थे। तो फिर मैंने ये देखिए कि ये बनी हुई है, ये भी कितनी खूबसूरत है, ये देखिए रिंग में एक पीकॉक बना हुआ, ऊपर वो जो होती है अम्ब्रेला बनी हुई है। तो इस इनके पास ये देखें ये वाली जो हैं टोपियाँ भी थी, ये 950 की एक टोपी बता रहे थे कैब, जो कि आई थिंक के वो होती हैं कैलाश लड़कियां पहनती हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी भांजी के जो है उसको पहना के मैंने कहा दिखाओ कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, 950 की थी। तो ये देखें इनके पास एक और ये रिंग जो बनी हुई है, स्टार सा बना हुआ, स्टार फिश की तरह से बनी हुई है। तो काफ़ी डिफरेंट लुक थी इनके पास ज्वेलरी की, और बड़ी अच्छी लग रही थी। इस तरह की ज्वेलरी जो है कभी कभी आप जाएँ ना हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप से, तो वहाँ पे भी आपको मिल सकती है। तो फिर मैंने इसे पूछा था कि क्योंकि इन शॉप का नेम भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो था मैंने कहा आप वहाँ से ये ज्वेलरी लेकर आते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वहाँ की भी है और इसके अलावा मिक्स ज्वेलरी हम लोगों ने रखी हुई है। तो इनकी शॉप का नाम आप लोग देख लें, फिर मैंने यहाँ पर इनकी शॉप का नेम बताया था हुंजा एम्पोरियम के नाम से, इनकी एम्पोरियम के नाम से इनकी शॉप है। तो फिर मैंने पूछा कि आप हुंजा से लाते हैं सारी चीज़ें क्योंकि बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं आपकी, तो उन्होंने कहा था नहीं हुंजा से भी आती हैं, इसके अलावा डिफरेंट जगह से हम लोग यहाँ से जो है कलेक्शन यहाँ पे ला के रखते हैं और यहाँ पे हम सेल करते हैं। देखिए कितने खूबसूरत ये छोटे छोटे से डेकोरेशंस हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए इनके पास ये नेकलेस है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें इनके पास हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पे हमने अपना टाइम स्पेंड किया और काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखी और बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये देखिए ये वाली वो जो मैंने आपको दिखाई थी ये भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ये एक और चीज़, ये छोटे छोटे से कप जो ये कहवे के लिए यूज़ होते हैं, सारे छोटी सी कैटल और छोटी सी ट्रे में रखे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, अगर घर में डेकोरेशन के लिए भी यहाँ से चीज़ें ली जाएँ तो बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए वॉल हैंगिंग जिन पर अलग सुभान ताला के मुख्तिफ नाम और ये आयात लिखी हुई हैं। तो वहाँ से हम लोग फिर आगे आ गए थे, वहाँ से फिर मैंने ब्रेसलेट लिया था और शायद पता नहीं क्या लिया था। मैं दिखाऊंगी आपको अपनी ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं बल्कि यहाँ से जो मैंने शॉपिंग की वो सारी आपको दिखाऊंगी। इसके बाद हम लोग एक और शॉप पे आए थे, ये था फर्स्ट फ्लोर पे जो है गीगा मॉल में। तो यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर भी एक ज्वेलरी की शॉप हमें मिल गई। आज की वीडियो में आपको मैं ज़्यादातर तकरीबन ज्वेलरी ही दिखाऊंगी आज की वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारी मैंने जो है वीडियो बना ली थी और बहुत जो है टाइम, अगर मैं सारी इकट्ठी अपलोड करती तो फिर मतलब आप लोग बोर हो जाते, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती, तो इसलिए फिर मैंने जो है ज्वेलरी के तमाम पार्ट इकट्ठे करके तो फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ज्वेलरी दिखा रही जो कि गीगा मॉल में। अच्छा ये वाला जो पेयर है 1000 का है, ये जो बैंगल्स आप देख रहे हैं, और ये वाला जो है 950 का ईच है, और ये भी बड़ी ज़बरदस्त बड़ी खूबसूरत लग रही थी ये चीज़ें। तो मुझे ज़्यादा ना ये जो होती हैं चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अच्छा ये 1750 का था ये ब्रेसलेट,
ये वाला, ये मैं इनकी जिनकी प्राइजेज मुझे याद है मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँ। तो मैं आपको बता दूँ, मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत मुझे पसंद हैं, उनके कलर्स मुझे बहुत पसंद हैं। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की शौकीन हूँ, ना मुझे किसी और चीज़ का शौक है, ईयर रिंग्स का, रिंग्स का मुझे जो होता है बस, मुझे मतलब मैं दूर से चूड़ियाँ देख लूँगी, बैंगल्स देख लूँगी डिफरेंट, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा होता ही है, देखिए इनके पास ये मीनाकारी वाले जो थे इस तरह के भी ईयर रिंग्स से, आजकल ये वाले भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। चलो ये तो ज्वेलरी मैंने देखी हुई है, इनके पास जो ज्वेलरी थी ये डिफरेंट शॉप्स पे मिल सकती है इस किस्म की, तकरीबन ये नहीं ये वाली इस किस्म की मिल सकती है, लेकिन जो मैंने आपको हंजा वाली शॉप की दिखाई है वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक ज्वेलरी थी। तो यहाँ पर भी हम लोग रिंग्स देख रहे थे, इनके पास रिंग की रेंज जो थी वो 350 से स्टार्ट होके 350, 450, 550, 650 यहाँ तक कि 1000 तक की जा रही थी इनके पास। तो डिफरेंट रिंग्स थी और डिफरेंट स्टाइल की थी और उनकी प्राइजेस भी डिफरेंट थी। तो ये देखिए ये वाली भी है, पूछा मैंने इनसे, मैंने कहा ये ख़राब तो नहीं होती, तो सब यही कहते हैं कि नहीं जी ये बस परफ्यूम से आप लोग इसको बचा के रखें तो फिर ये चल जाती हैं। तो ये तो है कि परफ्यूम से तो जितना ज्वेलरी को बचा के रखें उतनी उसकी जो है जो उसका लाइफ टाइम है वो उतना ही अच्छा होगा। तो ये चीज़ होती है कि इस तरह की, लेकिन ये है कि अब काफ़ी अच्छी ज्वेलरी आ गई है, तो इनको मैं तो ढूंढ रही थी ऐसी मुझे चीज़ें मिल जाएँ, ऐसी रिंग्स मिल जाएँ जो तकरीबन मतलब हर टाइम पहनी जाएँ, ख़राब ना हो, क्योंकि कई बार आर्टिफिशियल रिंग्स पहनी होती है मैं फिर उतार देती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह में तो हाथ डलता है, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस तरह की ये चीज़ें जो होती हैं फिर ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादातर मैं फिर गोल्ड की रिंग ही पहन के रखती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने ली हैं काफ़ी सारी रिंग्स ली हैं, मैंने आप लोगों को दिखाई भी हैं, तो वो फिर मैं बाहर जाते हुए पहन लेती हूँ, फिर घर आके मैं उनको उतार देती हूँ। अच्छा यहाँ पे उसी जब जगह पे हम लोग आगे आए ना, जब मैंने अभी अभी आपको एक शॉप दिखाई है जिसकी मैंने अभी चीज़ें दिखा रही थी आपको, तो उससे आगे ही आते हैं तो एक और स्टॉल है, उससे आगे एक और आते हैं तो एक और स्टॉल है। तो यहाँ पे भी हम लोग गुजर रहे थे, तो मेरी भांजी मुझे कहती है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रिंग्स देखते हैं, क्योंकि इसको रिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, ये हर जगह पे खड़ी हो जाती है और ये रिंग्स देखनी शुरू हो जाती है, और फिर मैं जो है कैमरा ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इनके पास ये रिंग्स थी तुर्की स्टाइल की, तो ये मुझे अच्छी लगी और मैं देख रही थी, तो पहले मैंने कहा कि मैं नहीं लेती, बस देख लेते हैं, बस ऐसे गुजरते गुजरते हम लोग यहाँ से जा रहे थे, तो फिर उन भाई साहब ने इतनी ज़्यादा इनकी तारीफ़ की कि ये तुर्की स्टाइल की ज्वेलरी है, और ये जो है आप लोग वो ड्रामा नहीं देखते, वो वाला कौन सा आजकल कोई तुर्की ड्रामा है, शायद मैं तो नहीं देखती, अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से शायद कोई ड्रामा है, मैंने नहीं देखा, और मैंने नाम सुना, मैं तो जी वो बता रहे थे कि वहाँ पर वो देखे उन्होंने पहनी होती है, ये होती है, मैंने कहा नहीं मैंने तो ड्रामा नहीं देखा, मैं तो नहीं देखती, मैं तो पाकिस्तानी ड्रामे बहुत कम देखती हूँ टाइम की कमी की वजह से। अच्छा तो इनके पास वो तुर्की स्टाइल की ज्वेलरी भी होती है, उसके अलावा इनके पास ये एक और भी थी, इसके बारे में ये कुछ बता रहे थे, कुछ बताया था उन्होंने, मुझे याद नहीं है कि ये कहाँ की ज्वेलरी थी, मैं कभी दोबारा जगह का चक्कर लगा पूछूंगी तो फिर किसी और वीडियो में आपके साथ बता दूंगी। अच्छा ये बता रहे थे कि ये जो रियल स्टोन लगा हुआ है ये बहुत ज़बरदस्त थी, और ये रिंग जो थी ये वाली रिंग्स बहुत कॉस्टली थी, महंगी थी, ये देखें ये इनका ये 8200 रुपये की है, शायद ये नंबर है कि प्राइस है। तो फिर तुर्किश जो स्टाइल की ज्वेलरी थी इनके पास जो रिंग्स थी, तो फिर काफ़ी टाइम यहाँ पे हम लोगों ने लगाया, काफ़ी देर तक हम इस जो है ज्वेलरी को देखते रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत थी इनके पास रिंग्स और बहुत ज़बरदस्त, ये वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी, प्राइजेज इनके साथ के ऊपर मैंशन थी, और वो फिर साथ साथ मैं देख रही थी, फिर मैंने कहा ये वाली नहीं वो वाली देखते हैं, क्योंकि ये वाली रिंग्स जो थी ये बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये डिफरेंट लग रही थी, और ये चांदी की रिंग्स थी, उन्होंने बताया कि ये चांदी की हैं, इन रिंग्स को आप हर टाइम पहन सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी, मतलब ये जैसे आप गोल्ड को यूज़ कर सकते हैं, साइज को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास उसी जो थी तुर्की स्टाइल की ज्वेलरी में ये ईयर रिंग्स भी उन्होंने दिखाए थे, बहुत ज़बरदस्त थे। इनके पास स्टड भी थे जो कि अभी शायद गुजर गए हैं, या मैं आपको दिखाऊंगी, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। ये ईयर रिंग्स हैं उसी में, तो जो रिंग मैंने आपको दिखाई ना तुर्किश वाली उसी में ये, हाँ ये आगे स्टड, ये स्टड थे, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आप रिंग्स ले रहे हैं तो उसका स्टड या ईयर रिंग्स ले कर एक पेयर बना लें तो आपकी ज्वेलरी कम्प्लीट हो जाएगी। तो मेरा को प्लान नहीं था ख़रीदने का, तो मैं तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि रिंग्स ही हर टाइम पहनी जाती हैं, तो फिर ये इन्हीं पे आई, इस टाइम हम लोग रिंग्स ले लेते हैं,
तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर देखेंगे कुछ ले लेंगे, क्योंकि मैंने अभी शॉपिंग स्टार्ट नहीं की थी जो मैं करने आई थी, तो मैंने कहा कि फिर पहले और चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी भांजी भी देख रही है, उसको भी पसंद आ गई रिंग्स, तो ये यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लग रही वीडियो में और पिक्चर में, लेकिन ये रियल में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। एक ये वाली ग्रीन वाली थी, तो इस तरह की रिंग मेरी भांजी कहती थी ये वाली ले लो, तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, इस तरह की हमारे पास गोल्ड की रिंग पड़ी हुई है, ये जो ग्रीन वाली है ना, इस तरह की गोल्ड की रिंग है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी अम्मी की रिंग पड़ी हुई है गोल्ड की, उसमें ना गोल्डन कलर का है और उसके ऊपर रेड स्टोन लगा हुआ है। तो मैंने कहा ये स्टाइल तो हमारे पास है, अम्मी की रिंग पड़ी हुई है, तो वो स्टाइल ये थोड़ा छोटे साइज़ में है। मेरी अम्मी की जो रिंग है वो काफ़ी अच्छी बड़ी सी है, मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी वो वाली रिंग पड़ी हुई अंदर, तो ये चीज़ है। तो ये मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत मतलब देखी हुई है, वैसे भी ये गोल्ड की शॉप इस तरह के डिज़ाइन आम पड़े होते हैं। तो फिर ये तीन चार रिंग्स थी जो हम लोग बार बार देख रहे थे और समझ नहीं आ रही थी कि इसमें से कौन सी चूज़ करें। अच्छा, जब उन्होंने बताया कि मतलब 24 की एक रिंग थी, एक 21 की थी, 29 की थी, 28 की थी, इस तरह की मतलब प्राइस थी ये जो रिंग्स हैं, तो मैंने मुझे फिर तीन पसंद आ गई। मैंने पहले लेनी नहीं थी, फिर मैंने तीन पसंद कर ली, तो फिर वो भाई साहब कहते हैं कि आप ले जाएं 10% हम आपको डिस्काउंट भी दे देंगे, तो उस आपकी रिंग्स जो हैं थोड़ी मतलब आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। तो वो फिर उन्होंने साथ साथ ये ब्रेसलेट भी निकाल के दिया, वो कहते हैं कि आप ऐसा करें ये ब्रेसलेट भी ले जाएं। अच्छा, भाई साहब का पूरा दिल था कि आज हम जो है इनकी शॉप से काफ़ी अच्छी सी चीज़ें जो हैं ख़रीद कर ले जाएं। तो ये ब्रेसलेट भी बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो वो कहते हैं कि देखिए अभी उन्होंने मुझे मैच करके भी दिखाए थे, कहते थे ये देख लें ये वाला ब्रेसलेट, आप इसके साथ मैच करेंगे तो आपका पूरा पेयर बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और 10% डिस्काउंट भी हम आप लोगों को दे रहे हैं, तो आपका जो है अच्छा सेट बन जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको ये भी बताती जो मैं भूल गई थी, ये वीडियो मैं थोड़ी देर से अपलोड कर रही हूँ, ये मैं उस वक्त गई थी जिस दिन न्यू ईयर का था गीगा मॉल में, रात के टाइम जो आतिशबाजी होती है ना न्यू ईयर की, तो उस दिन हम लोग गए थे, तो वो कह रहे थे कि न्यू ईयर की वजह से हम लोग आपको 10% डिस्काउंट भी दे देंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने दो रिंग्स ली, तीन पसंद मैंने तीन की थी, लेकिन फिर मैंने दो ले ली। फिर मैंने कहा कि फिर बाद में नेक्स्ट टाइम आएंगे, तो क्योंकि हम लोगों ने शॉप देख ली है आपकी, तो इंशाल्लाह फिर चक्कर लेंगे आएंगे और फिर आपकी शॉप से जो है शॉपिंग वगैरह ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस तरह की ज्वेलरी काफ़ी टाइम से हम लोग ढूंढ रहे थे और ख़ासतौर पर मैं देख रही थी, यहाँ से मुझे स्टड भी अच्छे लगे हैं, ईयर रिंग्स भी अच्छे लगे हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो मैं ले लूँगी। मेरी नेचर इस तरह की है कि मैं चाहती हूँ चीज़ वो ले जो बंदा इसको अच्छे से यूज़ भी करे, हर टाइम पहने भी रखे और जल्दी वो ख़राब भी ना। अब आर्टिफिशियल चीज़ें ले के वो जब ख़राब हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा पहने भी नहीं, अगर बाज़ूकात हम फीमेल है कंजूसी भी आ जाती है, मैं तो सच्ची कहूँगी कि मैं तो इस चीज़ में थोड़ी सी आ जाती है कि हाँ ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, कहीं जाना होगा तो पहन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इस तरह मैं करती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं कह रही थी कि चीज़ ऐसी है जो हर टाइम, जैसे गोल्ड की चीज़ हम लोग हर टाइम पहनते हैं तो ख़राब नहीं होती, तो इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो फिर मुझे मिल गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने इनकी एंड पे शॉप का नेम भी इस ले लिया, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, सिराज सन सिल्वर शॉप के नाम से, और ये सन्ना सफीना इनके जो शॉप है बिल्कुल उसके सामने ही इनका स्टॉल है। अच्छा, उसके बाद हम लोग फिर आगे आए और ये अब जो है ये भी फर्स्ट फ्लोर ही है, तो यहाँ पे एक और स्टॉल था, और ये वाला स्टॉल आपको मिलेगा लाइम पीच ट्री शॉप के बिल्कुल बाहर, ये वाला स्टॉल आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये जो ब्रेसलेट है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गए, 150 रुपीज़ के, ये 150 के, जैसे कि मैंने हुंजा वालों पे आपको दिखाए थे, उनके पास 250-350 की रेंज में थे और इनके पास 150 की रेंज में थे, इतने ज़बरदस्त इतनी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में ये मिल गए। फिर ये दो वाले जो पकड़े हुए हैं यही वाले जो हैं ले लिए थे, तो ये अभी पसंद कर रही है यहाँ पे चीज़ों को। तो फिर मैंने कहा इनकी शॉप भी इनके पास छोटी सी स्टॉल कह लें, रेड़ी टाइप जो होती है वो जो सब्ज़ी बेचने के लिए रेड़ी यूज़ की जाती है, उस तरह की इनके पास वो थी, और उसी को उन्होंने अच्छे से डेकोरेट करके तो छोटा सा स्टॉल बनाया होता है बीच ट्री के बिल्कुल बाहर, ये जो है शॉप है। यहाँ से आप लोग जब ऊपर आएंगे ना इसके वो तो जो होता है एक्सीलेटर से ऊपर आएंगे तो उसके साथ ही आपको शॉप मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी इनकी ज्वेलरी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में इनके पास, ये मैंने अभी आपको कुछ ईयर रिंग्स दिखाए भी हैं, साथ साथ मैं इनकी प्राइजेस भी दिखा रही हूँ। अभी हम लोग ये जो है चेक कर रहे हैं पहन के, तो ये वाला बिल्कुल की कलाई पे फिट आ रहा है और ये थोड़ा सा लूज़ आ रहा था, लेकिन यही दो कलर उसको अच्छे लगे तो फिर हम लोगों ने यही वाले ले लिए।
तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अलावा ये देखिए और इनकी शॉप की जो मैं दिखा रही हूँ, साथ साथ इनकी प्राइजेस भी दिखा रही हूँ, शायद वो लाइट में है तो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन इतनी महंगी इनके पास जूलरी नहीं है, बहुत अच्छी इनकी प्राइस है। ये देखें ये जो इनके पास बैंगल्स हैं, तो इस इनकी शॉप पे हम लोगों ने लास्ट जो है ज्वेलरी की जो शॉपिंग की थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं जो है अपनी गीगा मॉल की जो मैंने विज़िट किया था और जो है डिफरेंट शॉपिंग जो की थी और डिफरेंट चीज़ें वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।